ट्वेल्थ होम साइंस एनसीईआरटी लेसन 4 खानपान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। खाद्य इसका प्रश्न नंबर 5 है, एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। खाद्य सेवा नियोजन, पहली चीज क्या आ रही है, नियोजन की। एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान के प्रबंधन व मूलभूत निर्णायक कार्य होता है योजना बनाना, अन्य सभी कार्य इसी पर निर्भर करते हैं, योजना पे ही। ठीक है, योजना बनाने का उद्देश्य होता है पहले से सोचना विचारना, उद्देश्यों और नीतियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कार्य के उचित प्रक्रिया का चयन करना, उनमें उद्देश्यों की नीतियों के अनुसार कार्य योजना की रचना की जाती है, संस्था सुचारू रूप से कार्य करे इसके लिए स्टाफ के विभिन्न सदस्यों को पदानुक्रम में कार्य और सौंपे जाते हैं। इस प्रकार नियोजन में निम्न प्रश्नों का उत्तर समाहित होता है। पहला क्या है, क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारे प्रश्न उसके नियोजन के समय होना आवश्यक होता है। उसके बाद आया आयोजना। आयोजना में संस्था के कामों के पहचानना, उसके विभिन्न पद स्थितियों विभाजन करना, प्रत्येक पद की स्थिति, जनशक्ति, संसाधनों को प्रभावशाली तरीके से निपुणता से प्रयोग करने के लिए विशिष्ट कौशल तरीकों, निपुणता, योग्यता, कर्मचारियों को एक समूह में रखना सम्मिलित होता है। मतलब इन सभी चीज़ों की बहुत जरूरी होती है। आयोजन के प्रबंध में अन्य बहुत से कार्यों के परस्पर संबंध स्थापित करने भी शामिल होते हैं। स्टाफ रखना, इस कार्य में जनशक्ति की नियुक्ति, उसका प्रशिक्षण, रखरखाव सम्मिलित है। प्रबंध प्राय आवश्यक ज्ञान कौशल वाले व्यक्तियों को ही काम पर लगता है जिससे संगठन के लक्ष्यों उद्देश्य के अनुसार वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। निर्देश और कार्य सौंपना, निर्देश के लिए प्रबंध में संस्थान कर्मचारियों के हित की दृष्टि से सतत आधारशील निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। कार्य सौंपने में संस्था के भीतर विभिन्न स्तरों पर उचित योग्यता वाले व्यक्तियों के कार्य भार बांटना भी सम्मिलित होता है। नियंत्रण करना, खाद्य सेवा प्रतिष्ठान के प्रबंध का एक अन्य कार्य नियंत्रण करना भी है। इसके अंतर्गत वह देखता है कि निष्पादन योग्य योजना के अनुरूप है। वह आय व व्यय के सभी मुद्दों पर ध्यान देकर लागत नियंत्रण करता है। समन्वय करना, प्रबंध का एक अन्य कार्य संस्था के सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करना भी है। इसका यह कार्य संस्था के सुचारू रूप से चलाने और उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को परस्पर जोड़ने, अंतर संबंधी करने में सहायता प्रदान करता है। प्रतिवेदन के लिए, प्रतिवेदन के माध्यम से प्रबंध विभागों के विभिन्न अधिकारियों जैसे कि सह प्रबंधन प्रशासकों की रिपोर्टों, पत्रों, रिकॉर्डों के माध्यम से संस्था में किए जा रहे संपन्न हुए विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत कराना है। संस्था को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऐसा करना भी आवश्यक होता है। बजट बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बजट प्रबंध का एक अन्य कार्य बजट बनाना है। यह सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक होता है। इसमें भोजन सेवा, भोजन प्रबंधन इकाइयाँ भी सम्मिलित होती है। सभी की गतिविधियाँ वित्त के ध्यान में रखकर ही नियोजित की जाती है जो और प्रारंभ की जाती है। तो आप लोगों का ये आज 5वां प्रश्न पूरा हुआ, जिसमें क्या क्या था, नियोजन था, आयोजन था, स्टाफ था, निर्देशन था, नियंत्रण करना था, समन्वय करना था, प्रतिवेदन था, बजट बनाना था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें, एक एक वन बाय स्टेप बाय स्टेप से ही कार्य होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, होमवर्क कॉपी में कर सकते हैं।